हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज की जो वीडियो है, ज़्यादा लंबा व्लॉग ना होकर के एक छोटी सी वीडियो दे रही हूँ आपको। ऐसा तवा सबके घर में होता होगा, है ना, जला हुआ तवा। और हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं या रद्दी वाले में बेच दिया या ऐसा कुछ कर देते हैं। ठीक है, मैं भी ऐसा ही करने जा रही थी, बस ये निकाले ही थे, दो तीन ऐसे मेरे पास रखे थे, अभी तक मैंने फेंकी नहीं थी, तो मैं बस फेंकने जा रही थी। जैसे ही फेंकने वाली थी, पता नहीं मेरे माइंड में क्या हुआ और मैं फेंकते फेंकते जो है रुक गई। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ किया जाए, इसकी काया पलट की जाए, इसका मेक ओवर किया जाए, क्योंकि इसमें हैंडल भी है, तो इसको क्यों ना वॉल को डेकोरेट करने के लिए कोई आइटम बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं मैं इसकी काया कैसे पलटती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर आपके पास भी कोई जला हुआ तवा रखा हो तो इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हम पेंटिंग करके वॉल को डेकोरेट करने का आइटम बना देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल पेंट, ये 45 रुपीज़ का डब्बा आ जाता है और इसमें बहुत कुछ कलर हो जाता है, तो इससे हमें तवे को कलर करना है। मेरे पास ब्लैक कलर था, आप कोई भी कलर जो है यूज़ ले सकते हैं, बहुत कम मात्रा में जो है आपका कलर लगेगा, फिर आप उससे उसी कलर से और भी कई चीज़ें जो हैं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कलर इस पे पूरे तवे पे कर लेना है। आप जो चाहें, येलो, रेड, ग्रीन, जो भी कलर करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक था तो मैंने वो कर दिया। अब ब्लैक था तो मैंने सिंगल कोट ही किया है। अगर आप दूसरा कलर कर रहे हो तो ब्लैक तवे पे, जले हुए तवे पे आपको डबल कोट करना होगा। तो इस तरीके से हम पीछे भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, पूरे पीछे नहीं करेंगे क्योंकि इसे हैंग होना है, तो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे जहाँ जहाँ से दिखाई देगा। फिर इसे थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। तो सूख करके ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और जब ये सूख जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे कि कुछ ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे जो है ड्रॉ कर रही हूँ गणेश जी। आप जो चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी जो है अपने मनपसंद जो है चीज़ें इस तवे पे उकेर सकते हैं। आपके पास टेलर चौक हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी, मेरे पास थी नहीं तो मैंने चौक से किया है। तो हल्का हल्का मैं जो है डॉट डॉट करके इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो पत्ते वाले जो गणेश जी होते हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी इनके हाथ भी मुझे जो है वो बनाने हैं पत्ते से। तो अब मैं इसमें कलर करूँगी। पहले तो 2 कलर मैंने लिए हैं, येलो कलर और एक ग्रीन कलर। तो अब हम इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे पैरेट ग्रीन कलर। तो हम 3 से 4 ब्रश जो है येलो कलर ले लेंगे। जितनी बड़ी आपकी पेंटिंग हो ना उसके अकॉर्डिंग आप कलर बना लें। तो ऐसे ब्रश से ले लिया मैंने येलो कलर और थोड़ा सा हम लेंगे ग्रीन कलर। तो जब इसे मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा पैरेट कलर, पैरेट ग्रीन कलर। तो यहाँ पर ये बन चुका है। अब हम इससे गणेश जी को कलर कर देंगे। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ सिंगल कोट, और जब सिंगल कोट पूरा हो जाएगा तो फिर ये जब सूख जाएगा तब हम इस पर डबल कोट करेंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। कोई भी चीज़ में फिनिशिंग लाने के लिए डबल कोट जो है वो ज़रूरी होता है। तो अभी तो चल रहा है सिंगल कोट, तो इसी तरीके से पूरे गणेश जी को कलर कर देना है। आप जो भी पेंटिंग बनाएं उसमें डबल कोट कर दें, और जिस भी कलर का आप बेस कलर देना चाहें, मैंने जैसे कि ब्लैक दिया है तो आप वैसा कर सकते हैं। आप किचन से संबंधित पेंटिंग भी इसमें बना सकते हैं, जैसे कि तवे को कलर कर लिया, फिर इसमें कप बना लिया या कैटली बना ली। इस तरीके से भी आप पेंटिंग करके किचन को अपनी डेकोरेट कर सकते हैं, मेकओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो है कलर कर देंगे, उसके बाद इसको सूखने देंगे। कुछ देर ही सूखने देना है, पंखे में चंद मिनटों में सूख जाएगा। और जब ये सूख जाएगा तब हम इसमें कर देंगे दूसरा कोट। ध्यान रहे कलर उतना बनाएं जितना कि पर्याप्त हो जाए, ताकि कम ना पड़े, अलग अलग ना बनाना पड़े। तो ये तैयार हो गया था। जब पूरा कलर हो गया तो अब हम इसमें आउटलाइन कर देंगे ताकि इसमें और अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। आउटलाइन आप 0 नंबर के ब्रश से कर सकते हैं। अभी मुझे मेरे पास जो ब्रश थी वो मिली ही नहीं थी, तो फिर मैंने ये जो ईयरबड होता है उससे करना चाहा। फिर मैंने इसको मेकअप की जो ब्रश होती है उससे कर दिया था। थोड़ा सा मैंने मोटी मोटी किए हैं ताकि दिखाई दे, क्योंकि ब्लैक कलर है ना बेस, तो इस वजह से थोड़ी आउटलाइन को मैंने मोटा किया है। तो ये आउटलाइन होने के बाद और फिनिशिंग इसमें आ जाती है। तो ये देखिए फिनिशिंग आ गई है। अब हम इसके अंदर बनाएंगे आँखें हुआ, और जो पत्ते पे जो ये डंडियाँ सी होती है ना बनी हुई थोड़ी थोड़ी लाइनें, तो वो लाइनिंग हम कर देंगे। यहाँ पे आँखें बना देंगे और फिर लाइनिंग भी कर देंगे। तो इसी ब्रश से मैं लाइनिंग कर रही हूँ, बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ।
नहीं तो हम इसमें स्ट्रोक्स भी कर सकते हैं, शेडिंग भी कर सकते हैं। मैंने पेंटिंग सीख रखी है, मुझे पेंटिंग आती है, इस वजह से बता रही हूँ। जिनको नहीं आती इसलिए मैंने ये सिंपल सी पेंटिंग आपको करके बताई है। इस तरीके से लाइन लाइन बना देंगे। तो ये देखिए पत्ते वाले गणेश जी जो हैं बनकर तैयार हो गए और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये तवे की जो है वो काया पलट हो चुकी है, तवे का, जले हुए तवे का मेक ओवर जो है वो हो चुका है। तो अब मैंने क्या किया कि येलो कलर लिया और ईयरबड से जो है डॉट डॉट इस तरीके से बना दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे खाली खाली लग रहा था। आप कोई दूसरी डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं, चाहें तो आपके पास ग्लिटर कलर होना तो ग्लिटर कलर से भी कुछ कुछ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ग्लिटर डाल देंगे तो इसमें थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा तवा का मेकओवर हो चुका है, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा तवा, जला हुआ तवा, जिसकी कि मैंने काया पलट कर दिया। आप ये तो मैंने तो बनाए हैं गणेश जी, आप चाहें तो कोई भी पेंटिंग इसमें कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट हुआ, कोई फ्लावर हुआ, कुछ भी हुआ, जो भी आप चाहें वो ड्रॉ करके पेंटिंग करके एक्रेलिक कलर से और इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया जले हुए तवे का रीयूज़। इससे इसमें देखिए ये होल भी है, तो हम इसमें कोई दीवार में अगर कील लगी हो तो इसे इस तरीके से हैंग करके अपनी दीवार को डेकोरेट कर सकते हैं। आप किचन में भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आप किचन के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। किचन आप ऐसे कलर करके, कोई भी कलर करके और किचन से संबंधित कोई पेंटिंग करके आप उसे किचन में भी हैंग कर सकते हैं इस तरीके से दो। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे अगर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाइएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर हाँ, ऐसे और ऐसे जो है आइडियाज़ चाहिए न्यू जो है घर को डेकोरेट करने के या रीयूज़ करने के किसी भी पुरानी चीज़ को, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। बाय बाय।